hello all today we are going to read about volcanism so process of formation and movement of magma is known as volcanism and the structure created along with its eruption is known as volcano volcanism or volcano Do uh, basically, they sound similar, but they are different. Volcanism is like a process, and volcano, when it, it erupts, when this process happens and this magma erupts, so this process is known as volcano. मतलब ये सडन है, है, मतलब है तो डायस्ट्रॉफिक और कैटास्ट्रॉपिक के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं एंडोजेनेटिक फोर्सेस होती है मतलब तो दो टाइप की फोर्सेस होती है एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक जिसमें एंडोजेनेटिक में दो टाइप होते हैं डायस्ट्रोफिक और कैटास्ट्रोफिक तो कैटास्ट्रोफिक फोर्सेस वो है जो सडन है लाइक like अर्थक्वेक है? और जो काफी स्लो है जैसे फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा ये सब काफी टाइम लगता है ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी से कुछ सालों में हो जाएगा ऐसा नहीं है बहुत टाइम लगता है ठीक है तो हाँ एक और चीज हम पढ़ लेते इसमें बेनियफ जो जोन जो ज़ोन है यह एक ऐसा जोन है जो अर्थ के इंटीरियर में मिलता है और यहाँ पे मैग्मा क्रिएट होता है जोन ज़ोन वेयर मैग्मा इज क्रिएटेड इन इंटीरियर ऑफ अर्थ सो वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. कंपोजिशन ऑफ मैग्मा. ठीक है मैग्मा किससे बनता है देखिए मैग्मा बेसिकली बनता है सिलिका कंटेंट होता है इसमें और सिलिका का कंटेंट कैसे डिसाइड होता है अगर ये सरफेस है और सिलिका ये मैग्मा का चैम्बर कहीं यहां पास में है सरफेस के सरफेस के कहीं पास में है ये मैग्मा चैम्बर तो इसमें सिलिका कंटेंट हाई होगा और अगर ये कहीं डेप्थ से आ रहा है तो इसमें सिलिका कंटेंट लो होगा क्योंकि ये आ रहा है कहीं डेप्थ में से और इसमें क्लोज टू सरफेस ठीक है तो है? ये देख सकते हैं आप ये क्लोज वाला है ये सरफेस की क्लोज है तो इसमें क्या होगा आप बताइए सिलिका कंटेंट विल बी हाई क्योंकि देखो ऐसा होता है ना कि सियाल सीमा नाय ऐसे करके होता है तो यहाँ पे सिलिका कंटेंट ज्यादा होता है ऊपर और नीचे जाते जाते कम होते जा रहा है है, ना, ठीक तो सिलिका जो होता है वो एक पुअर कंडक्टर होता है पुअर कंडक्टर मतलब हीट uh, ये जैसे कंडक्टर ऑफ हीट तो अगर इसको हीट ट्रांसफर करी जा रही है तो ये अपना स्टेट इतनी जल्दी ये एनर्जी इतनी जल्दी ट्रांसफर नहीं करेगा इट विल रिटेन रिटेन इट्स कारण जिसके कारण अगर ये सॉलिड है इट वॉन्ट्स टू रिटेन इट्स स्टेट सो इट विल बी सॉलिड ओके इसकी विस्कोसिटी जो रहेगी

तो इससे हमें कुछ रिलेशन मिल जाता है क्या रिलेशन मिलता है कि सिलिका कंटेंट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू विस्कोसिटी सो मोर द सिलिका कंटेंट लो है तो विस्कॉसिटी विल बी लेस अब हम पढ़ने जा रहे हैं वॉलकैनिक नहीं अभी हम ये नहीं पढ़ेंगे वॉलकैनिक लैंडफॉर्म्स दो टाइप के होते हैं इतना जान लेते हैं जो सरफेस बनते हैं और इंट्रूसिव वो होते हैं जो इंटीरियर है, है, में बनते हैं लाइकोलिथ दे एंड दे आर सो कंफ्यूजिंग इनका सबका नाम सेम होता है बट एनी दिस फिर आता है कुछ टाइप्स है वोल्केनोस के तो ये टाइप्स हम पढ़ते हैं ये काफी इंटरेस्टिंग है क्रेटर क्रेटर आर लाइक नैरो डिप्रेशनस क्रिएटेड एट द माउथ ऑफ वोल्केनिक वेंट तो ये वोल्केनो है ये इसका वेंट है मतलब जहां से मैग्मा आता है ऊपर 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 तो ये माउथ अगर इसका टूट जाता है यहाँ से मे बी क्योंकि मैगमा इतनी जोर से आया तो उसने पूरा स्ट्रक्चर ऊपर का ब्लू ऑफ कर दिया तो यहाँ पे डिप्रेशन बन जाता है सो दे आर द रिजल्ट ऑफ एक्सप्लोसिव टेंडेंसी ऑफ वॉल और अगर इसमें अगर इसमें पानी आ जाता है तो ज्यादा पानी आ गया है. हाँ अगर इसमें पानी आ जाता है ठीक है आ गया पानी आ गया इसमें पानी आ जाता है तो ये क्या होगा क्रैटर लेक कहलाएगा दिस विल बिकम क्रैटर लेक सो यू गाइस शुड कमेंट कोई क्रैटर लेक अगर इंडिया में हो तो ठीक है वैसे मैं बता देती हूँ लोनार लेक जो महाराष्ट्र में है आप किसी और लेक का एग्जांपल बताइए जो कहीं और हो इन द वर्ल्ड और टेम्परेचर ऑफ वाटर इन क्रेटर लेक इज हायर देन सराउंडिंग दस दे कैन बी कंसिडर एट्स हॉट स्प्रिंग्स एक और एग्जांपल है हमारे पास लेक टिटिका का ये लार्जेस्ट क्रेटर लेक है ठीक है तो ये देखो ये ऐसा था और ये स्ट्रक्चर पूरा ब्लो हो गया उसके बाद ये टाइलडेरा बना है देखो ये जो क्रेटर था ये भी एक डिप्रेशन था बट केल्डेरा काफी ज्यादा बड़ा डिप्रेशन है ठीक है इसीलिए इस पे लिखा भी है देखो एनलार्ज्ड क्रेटर और ये कैसे क्रिएट हुआ है पूरी वोल्केनिक पीक कोलैप्स हो गई है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ब्लो हो गया है उससे बना है केल्डेरा तो पहले क्रेटर ही बनता है और क्रेटर के बाद केल्डेरा वाला होता है सो मल्टीपल हाई इंटेंसिटी वोल्केनिक इरप्शन एक बार इरप्ट हुआ दो बार इरप्ट हुआ ऐसे कई बार

होता है एक्सप्लोजिव एक्सप्लोजिव होता है और सेंट्रल टाइप इरप्शन काफी होता है ओके तो इतना धमाकेदार नहीं होता है फिर एज वी आर सिलिका के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था थोड़ा सा और पढ़ेंगे सिलिका कंटेंट अगर हाई है ये विस्कस होता है ये तो हमने पढ़ लिया था ये थिक होता है और इसे बोलते हैं फेल्सिक मैग्मा अगर लो है तो ये फ्लुडिक होगा और इसे बोलते हैं मैफिका हाँ, है। तो मैफिक और यह है, है, है। इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा फेल्सिक लाइट कलर के होता है येलो ब्राउन मैफिक डार्क कलर का होता है डार्क कलर जो आपको इवन पेनसुला इंडिया के डेकन प्लेट्यू में मिलता है जब री यूनियन हॉटस्पॉट इरप्ट हुआ था जब प्लेट मूव कर रही थी तो उसके कारण कई वॉलकैनो इरप्ट हुए इस पर लावा लावा आ, आया और यहाँ पे सॉइल ब्लैक है इसी कारण जिसके थ्रू तो डेकन प्लेट्यू क्रिएट हुआ, हुआ।

इतनी इंटेंसिटी से नहीं ये काफी साइलेंटली इरप्ट होता है और क्योंकि क्योंकि ये इतने मतलब मोस्टली ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बनाते हैं मेजॉरिटी ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स आर कंपोज्ड ऑफ फेल्सिक मैग्मा दस देयर मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज वेरी हाई और कलर ऑफ इग्नियस रॉक इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर एस्टिमेटिंग इंटेंसिटी ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस तो अगर हमें पता करना है कि इस वोल्केनो uh, की इंटेंसिटी कितनी थी तो हम इसके रॉक के कलर से भी ये पता लगा सकते हैं लेट्स रीड मोर अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्केनोस क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्केनोस कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन तो दो टाइप के होते हैं डोरमेंट और एक्टिव डोरमेंट वो है जो काफी टाइम से इरप्ट नहीं हुआ है और एक्टिव जो रेगुलरली कुछ इंटरवल्स में इरप्ट होते रहते हैं और एक एक्सटिंग भी होता है जो कई सालों से एरप नहीं हुए और मान लिया गया है कि इनका मैग्मा चैम्बर बंद हो चुका है उसमें वो अब वहां पर न्यू मैगमा क्रिएट नहीं हो रहा है मैग्मा सारा एरप्ट हो चुका है ठीक है एक्टिव वोल्केनोस मोस्टली इन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर आप ये मैप पे देखिए और मेडिटेरियन सी में यहाँ पे अधिकतर एक्टिव वोल्केनोस है ये आपको मैप पे देखना चाहिए प्लॉट करना चाहिए डोमेंट वोल्केनोस लाइक क्रैकटोआ इथ गैप ऑफ एटी टू हंड्रेड ईयर्स तो अगर कोई वॉलैनो इरप्ट नहीं हुआ है कुछ सालों में इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्सटिंक्ट हो चुका है क्योंकि आप देखिए क्रैकटोआ एक इंडोनेशिया का वॉलैनो है जो एटी टू हंड्रेड ईयर्स के बाद इरप्ट हुआ और एक्सटिंक्ट वो है जिसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इरप्टिंग की लाइक like टेकन यहाँ पे कोई इरप्शन नहीं होगा

रिलीफ फीचर्स के होते हैं और इनके लो रिलीफ फीचर ये काफी स्मॉल एरिया में होगा काफी ये लार्ज एरिया में होगा फिजर लार्ज एरिया में होगा क्योंकि ये काफी फैल रहा है और इसका स्ट्रक्चर काफी सिस्टमैटिक होगा और इसका इरेगुलर होगा सो so, कुछ चार कॉम्बिनेशन होते हैं एक सेंट्रल फेल्सिक एक सेंट्रल मैफिक फिजर फेल्सिक फिजर सेंट्रल और इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है फिजल मैफिक की इंटेंसिटी सबसे कम होती है इफ यू लाइक द वीडियो लाइक कमेंट एंड डू शेयर द वीडियो थैंक यू